साथी जय यीशु की। आज मई महीने का तीसरा दिन है। आज हम विशेष रूप से मन चिंतन करेंगे आनंद के भेद के तीसरे भेद यानी प्रभु यीशु के जन्म पर। बाइबल में संत योहान के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 14 कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। जी हाँ साथियों, आज हम मनन चिंतन करते हैं कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार इस दुनिया में जन्म लिया। माँ मरियम की मध्यस्थता से, माँ मरियम की कोख से ईश्वर की योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लेते हैं एक गौशाला में। सोच का विषय है, ईश्वर के पुत्र ने गौशाला में ही जन्म क्यों लिया? वो चाहते तो बहुत बड़े महल में, आलिशान शान शौकत के बीच में जन्म ले सकते थे, लेकिन एक गौशाला में जन्म लिया। जी हाँ साथियों, प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबके लिए मुक्ति का स्रोत बन के आए थे, और वही वह दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे कि वह न केवल कुछ लोगों के लिए बल्कि संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए एक मुक्ति का स्रोत बन के आए हैं। जी हाँ साथी, आइए हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से इस कोरोना महामारी में जो फंसे हुए थे, निस्सहाय निर्धन, जो अपेक्षित हैं, जो उपेक्षित हैं, उन सबों के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तेरी योजना के अनुसार प्रभु यीशु ने एक साधारण से मनुष्य के रूप में गौशाला में जन्म लिया। प्रभु तू निर्धनता, असहाय, गरीबों का मसीहा है। प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो आज निर्धन, असहाय, बेबस अपने आप को महसूस करते हैं, विशेष रूप से इस महामारी के समय में जो आर्थिक स्थिति से, गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। प्रभु तुम का साथ बना रहे, हमारी ये प्रार्थना है। हे माँ मरियम, तूने हर जरूरत को पूरा किया है, अपने पुत्र से दिलाया है इन सभी लोगों को जो जरूरतमंद हैं। माँ मरियम, तेरी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र से उन सबको वो कृपा दिलाने की कृपा कर, ताकि हम सब तेरी महिमा के भागी बन जाएं। ये प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के द्वारा, आमीन।